सात देशों ने कतर से तोड़े संबंध, सात देशों ने कतर से तोड़े संबंध, आतंकवाद समर्थक होने का लगाया आरोप, आतंकवाद समर्थक होने का लगाया आरोप। सात देशों ने कतर से तोड़े संबंध, आतंकवाद समर्थक होने का लगाया आरोप। एजेंसियां रियाद, सऊदी अरब, मिस्र, यमन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, लीबिया और मालदीव ने सोमवार को कतर से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। सातों देशों ने अपने राजनयिक वापस बुलाने के साथ ही कतर के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा है। कतर के नागरिकों को भी 14 दिन में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। इन देशों ने कतर पर इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देने, आतंकवादी समूहों की मदद करने और अंदरूनी मामलों में दखल के आरोप लगाए हैं। सातों देशों ने 24 घंटों के अंदर कतर से रोड, समुद्र और हवाई संपर्क बंद करने का भी ऐलान किया है। खाड़ी देशों के इस फैसले से हाल के वर्षों का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। सुन्नी बहुल सऊदी अरब ने शिया शासित कतर की सीमा सील करते हुए खाने पीने की चीज़ों का एक्सपोर्ट भी रोक दिया है। ये घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले महीने सऊदी अरब यात्रा के बाद हुआ है। उधर कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि झूठे और निराधार आरोप लगाकर खाड़ी देशों ने यह कार्रवाई की है। मुश्किल में फीफा वर्ल्ड कप, कतर में 2022 में फीफा विश्व कप होना है। माना जा रहा है कि अब कई कंपनियां कतर से किनारा कर सकती हैं। इससे फीफा 2022 की ब्रांडिंग को धक्का पहुंच सकता है। आयोजकों से फीफा की बात चल रही है।